गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रेरणा. सो टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय फुल डे व्लॉग ऑफ जन्माष्टमी. करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी और क्योंकि हम मथुरा के रहने वाले हैं तो क्या क्या होता है यहाँ पे और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है. एंड तो सबसे पहले तो मैं हो जाती हूँ रेडी क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ और मैं रेडी होने के बाद आपको मिलती हूँ. A few moments later. और मैं हो चुकी हूँ रेडी. मैं कर रही हूँ मंदिर की सजावट पूजा के लिए. एंड दिस इज आवर फाइनल लुक ऑफ मंदिर. टाइम हो चुका है लंच का. लंच में है दही, आलू, चिप्स और साबूदाने की खिचड़ी. A few moments later. और अब बन रहा है हमारा भोग का प्रसाद. जो रात को भोग लगेगा वो बना रहे हैं और मैं अभी कूट रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स. और ये हैं सारी चीज़ें. ये है मींग जिसे तरबूज के बीज कहते हैं और ये है नट्स मतलब मूंगफली हैं ये. और ये मेरा जो ड्राई फ्रूट्स है जिसमें गोला, बादाम, काजू सब कुछ है और मखाने कहते हैं वो भी है इनमें. और ये हमारी सारी सामग्रियाँ कूट चुकी हैं और ये चाशनी बन गई है जिसमें सारी सामग्री डल चुकी है. इट ऑलमोस्ट डन. बस थोड़ी देर और ये बस बन जाएगा. और ये हमने ट्रांसफ़र कर दी है एक परात में और ये बस थोड़ी देर सेट होएगी एंड देन वी हैव टू कट इट एंड ये तैयार हो जाएगा. और अब हो चुकी है रात तो टाइम है डिनर का और दिस इज़ आवर डिनर जिसमें सब्जी, मूंगफली, कचौड़ी और दही है. A few moments later. So guys, अब हम लोग हो चुके हैं रेडी. हम जा रहे हैं घूमने मतलब कि हम जन्मभूमि तक जा रहे हैं तो मैं आपको उसका पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी. और हमने खाना वाना सब खा लिया है तो बस हम जा रहे हैं घूमने. तो हम जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे. और ये है मेरी आउटफिट और कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ. और हम निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं जन्मभूमि तक एंड मैं आपको उसका ब्लॉग दिखाऊंगी पूरा. Thank you.
पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर से जन्मभूमि बहुत पास है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा डेकोरेशन करा है यहाँ पे फ्लाईओवर पे भी। और देखिए काफ़ी क्राउड हो रहा है, बाहर से लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अब कोविड तब भी कम है, वरना नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम राम नारायण। और बस देखिए सामने जो जूम किया है ये है हमारी जन्मभूमि अच्युतम केशवम। और यहाँ पे है स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें हैं। दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतम केशवम रामनारायणम। और बस फ्लाईओवर से हम उतर गए और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लग गई हैं। और बस ये है सामने हमारा चौराया, क्योंकि अब सजा हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो गई है। क्राउड हो गया है यहाँ पे, जितने हम ज़्यादा पास आते जा रहे हैं और ज़्यादा क्राउड होता जा रहा है यहाँ पे। और ये है पोतरा कुंड, यहाँ पे ये सामने दिख रहा है जारी जारी, ये है पोतरा कुंड। और देखिए यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब हो रही है पोतरा कुंड पे। और यहाँ पे दुकानें हैं, आप चाहे तो कभी आए तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं यहाँ पे छोटी छोटी। शिद्दतों के बाद मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ भीड़ में से। और ये है बड़ी बड़ी परमानेंट दुकान जो यहीं पे रहती हैं। और ये है हमारा मेन गेट जिसके अंदर से हम होके जाएंगे जन्मभूमि के मेन गेट पर। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है यहाँ पे, इतनी मुश्किल से। दुकानों से
और ये है जन्मभूमि का मेन गेट। देखिए कितना डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पे जन्मभूमि के मेन गेट पर, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। सो गाइज ये था बाहर का व्यू और मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ है अंदर, और अगर मैं अंदर गई तो मुझे अपना फ़ोन बाहर काउंटर पे ही छोड़ना पड़ेगा तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। पर मैं आपको बाहर से दिखाने के लिए आई थी, तो ये हमारे बाहर के डेकोरेशन जन्मभूमि के बाहर का, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कुछ पिक्स हैं जन्मभूमि की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए थोड़ा शॉपिंग के लिए चलते हैं। ये पोशाक हैं और जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं, बट थोड़ी सी महंगी भी लग रही हैं। कुछ शॉपिंग चल रही है। सो गाइस मैं इतनी भाग भाग के यहाँ पे उत्तराखंड पे आई, पर जैसे ही मैं आई यहाँ पे वाटरफॉल बंद हो गया। तो हम जा रहे हैं घर वापस, ये वही वाला चौराहा जो मैंने आते समय आपको दिखाया था, और हम चलते हैं घर की तरफ। अब थोड़े से फोटो सेशन भी कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना। आज ऐसा करना बंद करोगे? अच्युतम के शिवम चलिए 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 अब आइसक्रीम खाते हैं हम। आइसक्रीम निकाल रहे हैं भैया। अच्युतम केशवम राम नारायण। तो आज हम चारों का व्रत है तो हम ये वाली खा रहे हैं, दूध वाली, बस चॉकलेट वाली नहीं खा सकते। मैं तो अभी से काफी थक चुकी हूँ। चल रहा है।
बांसुरी दी है कृष्ण जी के लिए। बट मैं इसे चेक करती हूँ, मम्मी बोल रही है इसे चेक करना है, तो देखते हैं बज रही है कि नहीं। बज रही है। अच्युतम् केशवम् नाम नारायणम् कृष्णदामोदरम् वसुदेवम्। तो मैं आ चुकी हूँ और आप मेरे पसीने देख के पहचान सकते हैं कि की गर्मी हो गई। सो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ जन्मभूमि से घूमने के बाद और मैंने चेंज कर लिया है, नाइट सूट पहन लिया है क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब 11:15 ऑलरेडी हो चुके हैं और जो पूजा होगी अब वो 12 बजे होगी, तो मैं 12 बजे का वेट करना है जब तक, और इसलिए मैंने नाइट सूट पहन लिया है। मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ एंड कि आपको कैसी लगी जन्मभूमि पहले तो ये बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। और मैं अंदर नहीं जा पाई बिकॉज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और अंदर फ़ोन लेके जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। मैं चाहती भी तो आपको तो कुछ दिखा नहीं पाती, और नॉर्मल डेज में हम बहुत जाते हैं जन्मभूमि, तो हम जब नॉर्मल डेज में जाएंगे एक तो मैं मदर्शन जब कर लूँगी, और अभी तो वैसे बहुत भीड़ होगी इसलिए मैं नॉर्मली इसलिए नहीं गई इस बार हम, और थोड़े जाते तो फिर फ़ोन वगैरह हमारा रखना पड़ता और थोड़े बहुत सारी प्रोसेस हो जाता तो बहुत लेट हो जाता। तो बस अब हमें वेट करना है 12 बजने का, 12 बजे पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो क्योंकि 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ था और अब थोड़े ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं और 12 बजते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ आगे। और 12 बज चुके हैं और हम भगवान जी का अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत से, जिसमें कि दही, दूध, घी, गंगाजल और शहद होता है। और अब गोपाल जी का अभिषेक हो चुका है इन्हें पहुँच के, अब हमें करना है इन्हें तैयार। गोपाल जी हो चुके हैं तैयार। ये हमने भोग रख दिया है जिसमें पंजीरी और सेब वगैरह, मिठाई जो हमने बनाई थी सुबह और पंचामृत सब है। जय, गौर बिहारी।
द्वारकाधीश। सो गाइस, सब कुछ हो चुका है, मैंने प्रसाद खा लिया है और अब ऑलमोस्ट एक बजने वाला है, बिल्कुल मतलब एक थोड़ी देर में एक बज जाएगा। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ये रही मेरी इंस्टा आईडी, इधर भी जाके फॉलो कीजिएगा। एंड या दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय, लव यू ऑल।